आरएसएस के आह्वान पर हजारीबाग की करीब 1500 प्लस टू और कॉलेज की छात्राओं ने लक्ष्मी सिनेप्लेक्स में देखी द केरला स्टोरी मूवी। आरएसएस और उनके अनुसांगिक संगठन बजरंग दल के आह्वान पर हजारीबाग जिले के प्लस टू और विभिन्न कॉलेजों में अध्ययनरत करीब 1500 से अधिक युवतियों ने एक साथ सच्ची घटना पर आधारित द केरला स्टोरी देखी। हजारीबाग के लक्ष्मी सिनेप्लेक्स सभागार में लक्ष्मी चित्र मंदिर में दिन का पहला शो सभी ने सामूहिक रूप से देखा। फिल्म देखने पहुंची युवतियों में एक प्रकार की ललक देखी गई, जो अपने धर्म और संस्कृति के प्रति जागृत होने का सकारात्मक परिचायक है। कड़ी धूप और प्रचंड गर्मी के बावजूद इस सच्ची घटना पर आधारित सिनेमा ने सिनेमा हॉल पहुंचने पर सभी को विवश कर दिया। सिनेमा देखने पहुंची सभी युवतियों और माताओं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हाथ जोड़कर मुख्य द्वार पर अगवानी किया। बड़े ही अनुशासित ढंग से सभी दर्शकों ने 3 घंटे की इस ज्ञानवर्धक फिल्म का आनंद उठाया। इस दौरान सभी दर्शकों के लिए अल्पाहार की भी उचित व्यवस्था संघ के द्वारा की गई। पहले शो में करीब 1200 और दूसरे शो में करीब 300 युवतियों ने यहाँ द केरला स्टोरी मूवी देखी। मूवी के रिव्यू में सभी ने सामूहिक रूप से एक बात बताई कि फिल्म का लास्ट डायलॉग मन को बहुत तकलीफ दे गया, बाबा आपने हमें धर्म की शिक्षा क्यों नहीं दी। हजारीबाग डेस्क की रिपोर्ट। बॉलीवुड में जितनी भी मूवी बनी है उसमें कॉमेडी, इसको कहते हैं सेक्स, और गाने, अश्लील गाने, ये सब पर बनती थी तो लोग देखते थे। अब धीरे धीरे जो ट्रेंड चेंज हो रहा था, लेकिन अभी साउथ का जो क्रेज चला था, साउथ का मूवी लोग देख रहा था। एक पहली, आज बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत सालों के बाद, एक पहली मूवी ऐसी है जो बिना गाने के, ना ही कोई इसमें कोई कॉमेडी सीन है, ना ही कुछ है। ये केरला स्टोरी नहीं है, केरला ट्रूथ है, जिसको सभी ने मतलब बिना अपना कोई भंग किए हुए लगातार आप नजरें इधर उधर किए हुए पूरा फिल्म लोग सभी लोगों ने देखा। और मैं कहता हूँ कि इस सिनेमा को सभी लोगों को आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया में रिव्यू दीजिए। मैं अभी रिव्यू देने जा रहा हूँ कि इस फिल्म को ज़रूर देखें और दिखवाएं।